नमस्कार, भारत शक्ति के इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट न्यूज वॉरियर में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं मोदी 2.0 की बड़ी कैबिनेट का बड़ा संदेश क्या है। आज हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए भारत शक्ति के एडिटर इन चीफ नितिन गोखले हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे शुरुआत में आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि मोदी की रेटिंग की घोषणा हो चुकी है और कई सरप्राइजेस देखने को भी मिला है, लेकिन मैं शुरुआत NSA के अपॉइंटमेंट को लेकर, उनकी जो पुनर्वापसी है वो एक कैबिनेट का दर्जा उनको हासिल होता है और किस तरह की नीतियाँ वो आगे बढ़ाएंगे, आप किस रूप में देखते हैं इसको आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि पुनर्वापसी ये बिल्कुल तय थी। उनको जो टास्क दिया गया है, जितने काम दिए गए हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं। एक ही फ़र्क इस बार के अपॉइंटमेंट में आया है कि उन्हें एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, इक्विवेलेंट स्टेटस जिसको कहते हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, ये बात की बात है, पर इससे ये साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन पे जो विश्वास उनके पहले कार्यकाल में था, वही विश्वास अभी भी बरकरार है अजीत डोवल के मद्देनज़र। महत्वपूर्ण बात यह है, और महत्वपूर्ण बात यह है, इसलिए दर्जा कोई भी हो, पिछले बार तो उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट का भी दर्जा नहीं था, जी फिर भी वो माने जाते थे कि सरकार में सेकंड मोस्ट पावरफुल वहाँ पर्सन है, तो इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखना है कि आने वाले 5 वर्षों में उनकी क्या भूमिका रहेगी, कितना और उसमें काम करेंगे, और ये नीतियाँ जो भारत की है, सुरक्षा नीतियाँ या विदेश नीति जो है, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या चुनौतियाँ सामने हैं, उसका वो कैसा सामना करेंगे, ये देखने की बात है। इसमें दो चीज़ें हैं कि देखिए, पुरानी जो उनका जो पहला टर्म था, उस समय जो टीम थी उनके साथ और जिस तरह का रोल रहा उनका, तो सबको पता है कि वो कितना अहम रोल वो अदा कर रहे थे। इस बार जो टीम दूसरी बनी है, वो उसका डायनेमिक्स चेंज हो गया है। अब जैसे कि होम मंत्रालय में अमित शाह आ गए, या जयशंकर जो उनके मामहत, वर्चुअल मामहत तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, उनके टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते थे एज ए फॉरेन सेक्रेटरी। तो अब फॉरेन सेक्रेटरी का उनका वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और ये जो नया जो डायनामिक्स बना है, और उसमें मैं इसलिए कैबिनेट दर्जा की बात जो उठाया, मैं इसलिए उठाया था कि अब ये डायनामिक्स किस तरह से आप, चूँकि NSA का काम है चीफ कोऑर्डिनेटर का, वर्चुअली विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, तो किस तरह से उनको आप देखते हैं? NSA का रोल मोदी के कार्यकाल में और NSA अजीत डोवल का जो एक इनकी जो भूमिका रही है, वो चीफ ट्रबल शूटर के हिसाब से रही है पिछले कार्यकाल में जी। तो वो तो रहेगा ही, वो बरकरार रहेगा वो रोल जो है उनका, उसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी जो पर्सनालिटी है, उनकी उनका जो एक एक्सपीरियंस है, वो इसी मामले में है कि वो हैंड्स ऑन है, एक्शन के बहुत एक्शन में बहुत माहिर है, कि उनको एक्शन पॉइंट्स पसंद हैं। लोग ये कहते हैं जो उनके साथ काम करते हैं, वो कहते हैं कि जब भी मीटिंग होती है, वो बहुत शांत तरीके से सब कुछ सुनते हैं सबसे, चाहे 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए किसी भी मीटिंग में, अच्छे लिसनर हैं, पर जब मीटिंग वो उनको उनकी कहने की बात आती है, उनकी बात करने की बात आती है, तब वो कहते हैं कि अब मुझे एक्शन पॉइंट बताओ, मैंने सुन लिया, फिलॉसफी सुन ली, इंडो पैसिफिक, इंडो US, इंडो चाइना, सब कुछ हो लिया, अब मुझे करना क्या है ये आप बताइए। ये उनका उनकी फितरत रही है, उनका एक फिलॉसफी उनकी वो रही है कि मैं एक्शन का आदमी हूँ, वो बरकरार रहेगा। पर पिछले 5 सालों के एक्सपीरियंस के बाद, और अभी ये जो नए डायनेमिक की अब आप बात कर रहे हैं कि नए मंत्री आ गए हैं, अमित शाह गृह मंत्री हो गए हैं, इधर विदेश मंत्री जयशंकर हुए हैं जो उनके साथ पहले काम कर चुके हैं, उनमें तालमेल बहुत अच्छा था, ये हमने देखा था पहले 2015 से 2018 तक, जब तक वो विदेश सचिव थे एस जयशंकर, अब वो विदेश मंत्री हो गए हैं, उनका ओहदा बढ़ गया है, पर उससे ये तय करना या ये समझना कि अजीत डोवल का दर्जा कम हो गया है, ये गलत बात होगी। उनका दर्जा वही रहा है जी। और वो उतने ही करीबी हैं प्रधानमंत्री के जितने पहले थे, शायद ज़्यादा ही हैं, और उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। मैं समझता हूँ अब वो टीम ज़्यादा, मेरे ख्याल से एक कोऑर्डिनेशन ज्यादा रहेगा। उसी पॉइंट पे मैं आ रहा था कि अमित शाह बिंग गृह मंत्री और अजीत डोवल प्राइम मिनिस्टर, खुद मोदी
ये जो तिगड़ी है और ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि और भी मस्कुलर पॉलिसी देखने को मिलेगा और भी एक्शन देखने को मिलेगा और बहुत डिसाइसिव एक्शन, जिसको कहते हैं कि मतलब एक जो एक डिसीजन लेना है, डिसीजन जो कभी हम लोग देते थे डिसीजन मेकिंग को लेकर पैरालिसिस होता था, वो इस टीम के साथ अब देखने को नहीं मिलेगी। और ये जो दोनों की जो मतलब एक दूसरे का जो सहयोग होगा, आंतरिक सुरक्षा हो चाहे बाहर का सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा हो एक्सटर्नल, तो उसको आप किस रूप में एनालाइज कर रहे हैं? क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ कि ज़रूर इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा। और जैसे राजनाथ सिंह भी अच्छे गृह मंत्री थे, उनका पॉलिटिकल दर्जा भी काफ़ी ऊंचा है, वो नंबर टू है वर्चुअली कैबिनेट में। अमित शाह पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं, इसलिए अब उनको भी थोड़ा सा उसमें नई सोच लानी पड़ेगी। कहते हैं कि वो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन मैन हैं, पर एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ काम कर चुके हैं गुजरात में कई साल पहले, गृहमंत्री रह चुके हैं, चला चुके हैं, पर राज्य को चलाना और केंद्र को चलाना थोड़ा फर्क होता है, इसलिए उनको अभी थोड़ा समय देना होगा। पर मस्कुलर पॉलिसी क्या होती है? बेसिकली डिसाइसिवनेस होता है। आपने कश्मीर में तय किया है कि हम हुर्रियत के साथ बात नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं करेंगे, हम पहले जो आतंकवादी हैं उनका निपटाएंगे, उनका खात्मा करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें बात करनी है या नहीं करनी है। ये पॉलिसी चलती रहेगी मैं समझता हूँ। इसमें क्या तब्दीली देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? नहीं, तब्दीली पॉलिसी में, कश्मीर पॉलिसी में यही कह रहा हूँ कि जो पॉलिसी थी ये और स्ट्रांग होगी या इसका और इंटेंसिफाई किया जाएगा। अगर आप देखें पिछले 3 महीने में कश्मीर में पथराव बंद हो गया है, हुर्रियत अभी कहती है कि हम बातचीत के लिए तैयार है, आप हमें बुलाइए, और हम समझते हैं कि इतना जो बहुमत मिला है मोदी सरकार को उससे हमें फ़ायदा होगा, कश्मीर को फ़ायदा होगा। ये उनका ट्यून चेंज हो गया है बिल्कुल हुर्रियत का। वहाँ अभी ना कोई एजिटेशन हो रहा है, ना कोई पथराव हो रहा है, मिलिटेंट ज़्यादा मारे जा रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पॉलिसी को थोड़ा समय और देना चाहिए। जो पॉलिसी थी पिछले 6 महीने में, इसके और इंटेंसिफाई होगी और इससे जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद फिर देखा जाएगा बातचीत करना या नहीं। मैं बात यहाँ लेके आ रहा था कि ये जो कॉम्बिनेशन है अमित शाह का और डोभाल साहब का और ये खुद मोदी साहब हैं, ये जो कॉम्बिनेशन अब राइट कॉम्बिनेशन बना है, मैं इस बारे में जानना चाह रहा हूँ कि लग रहा है कि अब रियल एक टीम बनी है, एक नई टीम जो है। आप कहना ठीक है, बिल्कुल सही है, पर मैं वही कह रहा हूँ कि ये पॉलिसी थी, अब ये पॉलिसी इंटेंसिफाई होगी। इसके लिए नहीं कि अमित शाह आ गए हैं या राजनाथ उधर चले गए हैं डिफेंस में, इसलिए कि ये सरकार और मजबूती से आई है, इसको ज़्यादा वोट मिले हैं, ज़्यादा सीटें मिली हैं, और ये सरकार समझती है, इनकी जो फिलॉसफी है कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो भारत और कश्मीर के बीच में है, जम्मू एंड कश्मीर है, सिर्फ कश्मीर नहीं जी। ये हमेशा यही कहते हैं कि आप सिर्फ कश्मीर की क्यों बात करते हो, या आप सिर्फ वैली की बात क्यों करते हो, सिर्फ वैली की बात क्यों करते हो, और आप सिर्फ पीओके क्यों कहते हो। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है। बिल्कुल, क्योंकि जब वहाँ पे पाकिस्तान ने वहाँ अपना कब्जा किया था तो वो जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा था, इसलिए उसको यही कहना चाहिए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। तो उसका जो मामला है वो भारत और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में है, पाकिस्तान का उसमें रोल नहीं है, इस सरकार का ये मानना है। और इसीलिए ये जो पॉलिसी हम पिछले कई महीने से देख रहे हैं इसको इंटेंसिफाई किया जाएगा, क्योंकि ये जो पर्सनैलिटीज़ आप कह रहे हैं अभी इसमें आ गई है, इसके लिए नहीं, इसलिए कि इसमें कंटिन्यूटी है, सरकार वही आई है और सरकार मजबूती से आई है, इसलिए इसको बढ़ावा। वही मैं फंडामेंटल चेंज यही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जो पिछले हमने कभी नहीं देखा। बिल्कुल, इस तरह की बातें उन्हें जो आप बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर क्यों नहीं बोलते, बिल्कुल क्यों सिर्फ कश्मीर की बात होती है। तो ये होगा इनके रीअपॉइंटमेंट से और नई टीम आने से, और मैं समझता हूँ कि भारत की जनता भी यही चाहती है, नहीं तो इतना वोट भी नहीं करते जी, इतने भारी संख्या में बहुमत नहीं देते नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पहुँच गए हैं हम लोग, जहाँ जिस मकाम पे हैं इससे भारत की प्रगति होगी, इससे और कुछ पीछे जाने की बात नहीं है। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है और हम लोग भारत शक्ति में राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हमेशा करते हैं, तो हम ये जानना चाह रहे थे कि राजनाथ सिंह का गृह मंत्रालय छोड़ से रक्षा मंत्रालय में आना किस बात का संकेत दे रहा है, ये किस तरह क्या सेना में अब वो रिफॉर्म्स हो, सेना को जो भी जरूरतें हैं वो क्या राजनाथ सिंह जी बहुत तेज़ी के साथ उसको पुश करेंगे, वो उन चीज़ों को कामयाबी हासिल करेंगे? देखिए, बिल्कुल रक्षा मंत्रालय में डिफेंस सेक्टर में बहुत सी कमियां हैं, खामियां हैं,
उसको ख़त्म करना होगा, वहाँ पे रिफॉर्म्स लाने होंगे, मेक इन इंडिया इन डिफेंस को बढ़ावा देना होगा, ये सब कुछ चीज़ें हैं उसमें। राजनाथ सिंह जो एक बहुत सीनियर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के नए अध्यक्ष रह चुके हैं और बहुत जिसको कहते हैं बैलेंस्ड आदमी है, उनका पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छा है, उनको इसलिए यहाँ लाया गया, मैं समझता हूँ साउथ ब्लॉक में, नॉर्थ ब्लॉक से वो साउथ ब्लॉक में आ गए हैं, इसलिए लाया गया है कि वो जो तीनों सेना के अंग हैं इनमें जो भी एक थोड़ा सा गुस्सा हम पिछले 3-4 सालों से देख रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, एक मॉडर्नाइजेशन, हाँ एक मलाल सा उनके मन में है सेना के तीनों अंगों में, कुछ अफसर्स में, कुछ सिनर्जी नहीं, तो वो जो है उसको हटाने के लिए उनको लाया गया, क्योंकि ये बहुत गहराई से सोचने वाले नेता हैं और वो एक ग्रेविटी लाएंगे इस पद में जो शायद इनके जो प्रीडिसेसर थी निर्मला सीतारमन वो उसको हैंडल नहीं कर पाई, वो सेंसिटिवली उसको टैकल नहीं कर पाई रक्षा मंत्रालय में, इसलिए ये चेंज लाया गया, ऐसा मैं समझता हूँ। शायद यही वजह है कि आपने स्वागत किया है उनको एज ए रक्षा मंत्री, और आप और आपने ये कहा है कि उनका आना एक शुभ संकेत है भारत की सुरक्षा और डिफेंस मंत्रालय में, जो एक इनर्सिया थी उसमें एक गति आएगी, और हम लोग इसी तरह बातचीत सुरक्षा को लेकर हर वीक इस प्रोग्राम में, न्यूज़ वॉरियर के प्रोग्राम में क्या करेंगे। प्लीज़ लाइक अस, सपोर्ट अस, और हमें अपना आप फीडबैक जरूर भेजिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग अस।